नमस्कार साथियों, चलिए तो हम देखते हैं इस लेक्चर में एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल। ये भी हमारा व्हाट्सएप से संबंधित है। अभी जो व्हाट्सएप का मुद्दा उठा हुआ है इसी से संबंधित है, हैकर। चलिए तो इस बात करते हैं, निजता की रक्षा। इजराइल की कंपनी द्वारा कम से कम 121 भारतीय मोबाइल फोन पर अवैध तरीके से निगरानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की घटना से देश की डेटा संरक्षण और निजता संबंधी कानूनों को लेकर लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों को नए सिरे से सामने रख दिया है। फेसबुक के अनुसंगी इंस्टेंट मैनेजर व्हाट्सएप ने इजरायली कंपनी NSO पर अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा कर दिया। उनका कहना है कि कंपनी ने गुप्त रूप से पेगासस नामक निगरानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके संक्रमित मोबाइल फ़ोनों में से लगभग हर प्रकार की जानकारी को दूसरी जगहों पर भेजा है। तो याद रखिए, ये पेगासस सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को व्हाट्सएप के माध्यम से केवल एक मिस्ड कॉल देकर किसी फ़ोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि दुनिया भर में करीब 1500 लोग पेगासस से संक्रमित हुए। व्हाट्सएप का दावा है कि यह संक्रमण अप्रैल मई 2019 में हुआ, तब से अब तक उसने इस जोखिम को समाप्त कर दिया। उधर NSO का दावा है कि वह इस सॉफ्टवेयर को केवल सरकारी एजेंसियों को बेचती है। इसके बाद मामला और अधिक जटिल हो गया है। NSO के उपभोक्ताओं की सूची देखकर भी यही लगता है कि उनमें से अधिकांश सरकारें हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर और उससे जुड़ी निगरानी सेवाएँ बहुत महंगी हैं और उन्हें अन्य देशों के साथ मैक्सिको और मिस्र की सरकार को बेचा गया। जिन भारतीयों को इसका निशाना बनाया गया है उनमें से कई जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पत्रकार, राजनेता हैं। चूंकि यही वह अवधि थी जब भारत में आम चुनाव हो रहे थे, जिनको निशाना बनाया गया उनमें से कई विपक्षी विचारों के या सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले लोग थे, इसलिए इस विषय में अटकलों का दौर शुरू हो गया। भारत सरकार का दावा है कि व्हाट्सएप ने इस संवेदनशीलता को लेकर खुलकर बात नहीं की। उगतमई देश की कंप्यूटर आपात प्रक्रिया टीम या अन्य सरकारी एजेंसियों को इस सुरक्षा मामले की जानकारी देते हुए उसने तकनीकी शब्दावली इस्तेमाल की। अब सरकार ने इसकी जांच के लिए दो संसदीय समितियां गठित की हैं। अमेरिका में सुनवाई के दौरान इस विषय में और मालूमात सामने आई है। इन भारतीय नागरिकों को निशाना बनाना और चोरी छिपे पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले ने यकीनन भारतीय कानून तोड़ा। अब तक ऐसी किसी सरकारी एजेंसी का पता नहीं लगा जिसके बारे में कहा जा सके कि यह उसने किया है। यदि यह काम सरकारी एजेंसी ने नहीं किया तो कानून टूटा है। बल्कि सरकारी एजेंसियों के बारे में भी अपेक्षा तो यही रहती है कि उच्च स्तर पर ऐसी निगरानी के लिए समुचित इजाजत लेगी। उन्हें निजता के ऐसे उल्लंघन के पहले पूरी जानकारी देनी होती है। यह भी सही है कि सरकार ने निजता संरक्षण कानून बनाने में देरी की। अगर वह होता तो इस अपराध को बेहतर परिभाषित किया जा सकता था, उचित दंड की घोषणा की जा सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में कहा था कि निजता मूल अधिकार है। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश VN श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाले आयोग ने निजी डेटा संरक्षण निजता कानून का मसौदा बनाया, जिसे जुलाई 2018 में जारी किया गया। इस पर अक्टूबर 2018 तक जनता की राय आमंत्रित की गई। तब से अब तक संसद ने अनेक कानून पारित किए, लेकिन यह मसौदा पड़ा रहा। ऐसे कानून के अभाव में यह परिभाषित करना मुश्किल है, पाना मुश्किल है कि नागरिकों की ऐसी निगरानी कौन सी एजेंसी कब कर सकती है। यह घटना निजता को मूल अधिकार बनाने वाले संविधान और संबंधित कानून पास करने में देरी करने वाले विधायिका का विभाजन साफ नजर आता है। चलिए दोस्तों, तो यही था एक और हमारा महत्वपूर्ण एडिटोरियल।